यह कहानी है होटल के भूतिया कमरा नंबर 408 की। यह होटल भूतों का होटल तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण यह दूसरे होटलों से अलग था। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है कि राहुल और उसका दोस्त अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते हुए सबसे पहले अपने कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वे दोनों घूमने के लिए निकल गए। रात होने के बाद जब वे वापस अपने होटल जा रहे थे तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। राहुल और अमित ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यहीं आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वे दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वे लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। राहुल ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक ओर इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। राहुल बूढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। राहुल और अमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी राहुल को दे दी। राहुल और अमित चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 408। राहुल और अमित चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पर चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पर था। वे मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वे लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, उन्हें तो बस यहाँ एक रात गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपनी कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुँच के उन्होंने देखा कि उस कमरे में तो काफ़ी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ है। वहाँ न तो पीने का पानी था, नहीं नहाने का। राहुल ने वहाँ पर रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। इसके तुरंत बाद ही वापस उसी फ़ोन पर कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राहुल ने जवाब दिया, आपने हमें कैसा कमरा दिया है, नहीं यहाँ पीने का पानी है और नहीं नहाने का, चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है, आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 408। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए राहुल से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज़ में बोला, सर जितना जल्दी हो सके आप कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। राहुल ने पूछा, क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहाँ से बाहर निकल जाइए, वहाँ आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही राहुल और अमित कॉल काटकर अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राहुल ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पर भी कुछ आवाज़ें नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। राहुल और अमित अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वे दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी के बाद फिर सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। राहुल ने कॉल उठाया, कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं। राहुल ने जवाब दिया, नहीं, कमरे से बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने राहुल से बोला, सर
कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना, मगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही राहुल और अमित दोनों ही बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने के लिए ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए, आप दरवाज़ा खोलिए। साथ में कुछ और लोग की भी आवाज़ आ रही थी, इसलिए राहुल और अमित ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी ही नीचे आ गए। राहुल ने काउंटर पर देखा, पर वहां पर कोई दूसरा स्टाफ था। जिसने राहुल को चाबी दी थी वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें राहुल को वहां के लोगों ने बताई। उन लोगों ने राहुल से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वे भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 408 में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वे बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो 408 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वह कैसे उस कमरे तक लेकर गई। राहुल और अमित अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए।